शिवाय, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं कल 3 जुलाई 2024 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का, और सबसे पहले पंचांग की बात करते हैं। देखिए, कल आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी और द्वादशी तिथि प्रातःकाल 7:10 तक रहेगी। उसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र जिसमें चंद्रमा गोचर करेंगे वो रोहिणी नक्षत्र होगा। 4:07 प्रातःकाल तक रहेंगे, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर होगा। शूल योग का निर्माण 9:01 प्रातःकाल तक रहेगा, उसके बाद गंड योग बनेगा। तैतिलकरण 7:10 प्रातःकाल तक, उसके बाद गर्करण का निर्माण होगा। चंद्रमा कल पूरे दिन अपने परम उच्च राशि वृषभ में ही गोचर करेंगे। तो आइए समझते हैं प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और प्रारंभ करते हैं मेष लग्न वाले जातकों से। देखिए, आज का दिन आपके लिए ओवरऑल अच्छा व्यतीत होता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, परंतु बाहर का खाना यानी किसी प्रकार का जंक फूड खाइएगा तो परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ जाएगा। भाग्य पूरे तरीके से आपके साथ में रहने वाला है। कई प्रकार के जो बिगड़े हुए काम हैं आज उनके बनने की पूरी पूरी संभावना मैं देख पा रहा हूँ। कार्य व्यवसाय में मेहनत और चतुराई से काम लेना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ जो आपका समय है वो ओवरऑल अच्छा रहेगा, और कल कुल मिलाकर कहा जाए तो 80% तक का दिन आपके लिए आपके फेवर में रहेगा। शुभ अंक 5 और शुभ रंग आपका मैरून बन रहा है। उपाय के लिए माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेकर अगर आप कोई काम करते हैं तो सभी कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, वृषभ लग्न। देखिए, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। कार्य व्यवसाय में आपको सावधानी से काम लेना चाहिए। आज आप सही समय का जो है उपयोग कर पाइएगा और स्वास्थ्य की लंबे समय से चल रही किसी भी प्रकार की परेशानी आज दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य धीरे धीरे आपका सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में चल रहा किसी प्रकार का मनमुटाव है वो भी खत्म होगा और आप अपना जीवन जो है शांति से बिताने की कोशिश भी करेंगे। ओवरऑल कहा जाए तो परिवार के सदस्यों का भी आपको सहयोग मिलने वाला है। कुल मिलाकर 75% दिन आपके लिए अच्छा रहेगा और कल का शुभ अंक जो है वो 3 और शुभ रंग आपके लिए आसमानी बन रहा है। उपाय के लिए ओम सूर्य नारायणाय नमो नमः का जाप कीजिए, जिससे कि आपकी सारी मनोकामनाएं जो है पूर्ण हो जाए। अब बात करते हैं मिथुन लग्न के लिए। देखिए, आज का दिन व्यस्तता भरा रहने वाला, काफ़ी व्यस्त रहिएगा। कुछ नए लोगों से काम को लेकर जुड़ने का मौका आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ बात करने का भी आपको मौका मिलेगा और माता पिता का आपके काम में सहयोग भी मिल जाएगा। परिवार में लंबे समय के बाद खुशियों का वातावरण बनेगा। आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा कल के दिन रहेगा, जिससे समाज में मान पद प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो 82% तक का समय आपके लिए अच्छा है और उपाय करने से पहले शुभ अंक 9 और शुभ रंग नारंगी कल बन कर आ रहा है। उपाय में माँ महागौरी के आगे घी का दीपक अगर आप जलाते हैं तो आपका दिन जो रहेगा वो बेहतरीन हो जाएगा। कर्क लग्न की बात करते हैं। देखिए, आज का दिन जो है आपके लिए सामान्य रहने वाला है। परिवार के साथ ज़्यादा समय आप व्यतीत कर पाइएगा, जिससे दाम्पत्य जीवन पहले के रिस्पेक्ट में मधुर होता हुआ दिखाई देगा। कार्य व्यवसाय में जो भी आप काम करेंगे उसमें मेहनत रंग लाएगी और व्यापार में भी लाभ मिलेगा। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, अन्यथा बीमार पड़ने की भी संभावना दिख रही है। कुल मिलाकर 70% तक का दिन मुझे अच्छा दिख रहा है। शुभ अंक 7 और शुभ रंग हरा बन रहा है। उपाय के लिए माँ दुर्गा को
भोग लगाइए और साथ में श्रद्धापूर्वक आरती अगर आप करते हैं तो अच्छा रहेगा। सिंह लग्न की बात करते हैं, देखिए आज आप अपनी दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन लाने की कोशिश करना आप चाहेंगे। परिवार का भरपूर सहयोग भी आपको मिलेगा और दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का मनमुटाव जो था उसके सुलझने की संभावना ज़्यादा बन रही है। कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी परेशानी ज़रूर रहेगी। जीवन साथी से किसी प्रकार का सरप्राइज आपको मिल सकता है और कुल मिलाकर कहा जाए तो 70% तक का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 8 और शुभ रंग सफ़ेद बन रहा है। माँ महागौरी को गुलाब के फूल की माला अगर आप पहनाते हैं तो कल का दिन अच्छा रहने वाला है। कन्या लग्न की बात करते हैं, देखिए आज आप अपने सभी काम को जिम्मेदारी पूर्वक और समय से पूरा कर पाइएगा, जिससे परिवार के सदस्यों की सराहना भी मिलेगी। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अच्छे पल व्यतीत आप कर पाइएगा। जोड़ों में दर्द हो सकता है जिसके कारण परेशानी हो सकती है। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में आपको जीवन साथी जो सलाह देंगे उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आर्थिक स्थिति पहले परिवार में किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर मानसिक तनाव आपको रह सकता है। 74% तक का दिन फिर भी आप शुभ अंक 1 और शुभ रंग स्लेटी बन रहा है। उपाय के लिए माँ महागौरी को मिठाई का भोग लगाइए तो जिससे आपका दिन जो रहेगा पहले के रिस्पेक्ट में और अच्छा रहेगा। तुला लग्न की बात करते हैं, देखिए आज का दिन आपके लिए हर तरीके से बढ़िया रहेगा। मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिल जाएगी। कार्य व्यवसाय में कहा जाए तो अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। परिवार में बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य हालांकि खराब रहेगा जिसके कारण आप थोड़ा चिंतित रहेंगे, उन पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। आय में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्य का आयोजन आज आपके घर पर हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 75% तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। शुभ अंक 6 और शुभ रंग केसरिया बन रहा है। उपाय के लिए गौशाला में जाइए और हरा चारा अगर आप दान कर देते हैं तो वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं, देखिए आज के दिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। कोई नई जिम्मेदारियों को पूरा करने के कारण आप पूरा दिन व्यस्त रहिएगा। जीवन साथी के साथ तालमेल जो रहेगा आपका बेहतर रहेगा और भौतिक सुख सुविधाएँ जो रहेंगी वो पूरी होगी। कला और साहित्य के क्षेत्र में आपका रुझान बढ़ेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। कार्य व्यवसाय अति होने वाला है। कुल मिलाकर आज का दिन 72% तक आपका अच्छा दिख रहा है। शुभ अंक 4 और शुभ रंग नीला बन रहा है। उपाय के लिए किसी काले कुत्ते की देखभाल करें या कुत्तों को कुछ खाने के लिए अगर अन्न दे दे तो अच्छा रहेगा। धनु लग्न की बात करते हैं, देखिए आज का दिन आपके लिए सुनहरे पल को लेकर आएगा। नए कार्य आपके पूरे होंगे और भाग्य का भी पूरा सहयोग मिलेगा। लेखन से अगर आप जुड़ाव रखते हैं तो आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में आपके बॉस या अधिकारी आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। आप विवाहित जातक हैं तो उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी कल के दिन आता हुआ मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। 70% तक का दिन अच्छा रहेगा। शुभ अंक 8 और जो शुभ रंग है वो पीला बनकर आ रहा है। उपाय के लिए राम रक्षा स्रोत का आपको पाठ करिए, इससे आपका जो मन रहेगा प्रसन्न है। मकर लग्न की बात करते हैं, देखिए आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। मानसिक तनाव से मुक्ति हो जाएगी। समय सारियों की जिम्मेदारी आज आप पूरा कर लेंगे। दाम्पत्य जीवन में कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। कार्य व्यवसाय में भी बहुत परिश्रम आपको करना पड़ेगा। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ अपना ज़्यादातर समय आप कल के दिन व्यतीत कर पाइएगा। कुल मिलाकर 76% तक का समय अच्छा है। कल का शुभ अंक 1 और जो शुभ रंग है वो गुलाबी बन रहा है। गणेश जी की आराधना अगर आप करते हैं तो पूरा दिन आपका अच्छा व्यतीत होगा। अगले लगन की बात करते हैं, कुंभ लगन वाले जातकों का कल का दिन कैसा दिखेगा। देखिए सबसे पहले तो अनजान लोगों से सावधान रहिएगा। आत्मविश्वास आपका ज़रूर बढ़ेगा
किसी महत्वपूर्ण बात पर को परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर आप साझा करेंगे। कार्य व्यवसाय में दिन सामान्य रहने वाला है। जीवन साथी की बात पर आप नाराज हो सकते हैं, किसी प्रकार का नोकझोंक हो सकता है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कुल मिलाकर 70% तक का दिन आपके फेवर में रहने वाला है। कल का शुभ अंक 4 और शुभ रंग भूरा रहेगा। उपाय के लिए मस्तक पर केसर का तिलक लगाइए या चंदन का तिलक लगाइए, जिससे आपसी रिश्ते जो हैं वो एटलीस्ट मजबूत हो सके। मीन लग्न की बात करते हैं, देखिए आज के दिन नई प्रॉपर्टी लेने का आप मन बना सकते हैं और परिवार के सदस्यों का भी आपको सहयोग मिलेगा। आज का दिन आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेगा। आर्थिक रूप से कहा जाए तो लाभ की प्राप्ति होगी और घर के सदस्यों की ज़रूरतों को आप पूरा कर पाइएगा। राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत जातकों के लिए आज का दिन बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला करेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो 78% तक का दिन आपके फेवर में रहेगा। शुभ अंक 2 और शुभ रंग ग्रे बन रहा है। उपाय के लिए अपने इष्ट देवता की आराधना करें और जिससे आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा।